जानते हैं कि यहाँ पर हमारे एसएससी के अंदर पैटर्न में बदलाव हुआ है, आपका जो नया पैटर्न है उसी के आधार पर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। आपके अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो आपका पैटर्न बनता है उसी पैटर्न पर, कहते हैं ना कि पढ़ना वही जो एग्जाम के लिए सही, आप लोगों के जो एग्जाम के लिए सही है, जो आपको फतेह तक लेके जाएगा उसी पैटर्न पर हम करेंगे अपनी पढ़ाई। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, सुबह 4:45 पर रहेगी आपकी करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बेटा, सुबह 6:30 बजे, शाम को 7:30 बजे और दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर लूशन जीके की क्लास, शाम को 9:30 बजे, सुबह 11 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास और आपके लिए प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी यहाँ पर फ्रेंड्स हिंदी की क्लास। प्रत्येक दिन की सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, YSP क्लास सर्च करके क्लास में आ जाए करें ताकि फ्रेंड्स आप अपनी क्लासेस का फायदा उठा सकें। यहां पर फ्रेंड्स मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 95188151414 मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, जिन भी फ्रेंड्स ने अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड नहीं कराए आप फ्रेंड्स अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड कर लें। यहां पर फ्रेंड्स आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं इस क्लास के अंदर, प्रत्येक क्वेश्चन को आपने अटेंड करना है, मैराथन क्लास रहेगी, आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कॉपी के अंदर लिखना है ताकि फ्रेंड्स आपके सभी डाउट साथ साथ क्लियर होते चलें। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, इको मार्क किससे संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है इको मार्क किससे संबंधित है। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण। आपका फ्रेंड्स इको मार्क किससे रिलेट करता है, पर्यावरण से रिलेट करता है, आप सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2 इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर पर्यावरण का अध्ययन, सही बात है ना, इकोलॉजी क्या होता है, पर्यावरण का अध्ययन, सभी बच्चे यहाँ पर याद रखेगा आपका फ्रेंड्स इकोलॉजी क्या होता है, पर्यावरण का अध्ययन होता है। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर इको में किसका अध्ययन, यहाँ पर इको में किसको डिस्कस किया जाएगा या इको मार्क से किसको रिलेट किया गया, पर्यावरण को रिलेट किया गया, सभी बच्चे याद रखेगा। इसके बाद में फ्रेंड्स एक इको और होता है, वो होता है आपका क्या, एक इको और है जो आपका रिलेट करता है इकोनॉमिक्स, ध्यान से सुनेगा आपका फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन, इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्या है इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका फ्रेंड्स ये दूसरा इको बनता है जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तेहरान में स्थित है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तेहरान में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, सभी बच्चे लिख लीजिएगा 1985 में, इसकी स्थापना कब हुई थी 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और किन किन देशों के द्वारा इसको स्थापित किया गया, सभी बच्चे लिखिएगा ईरान, आपका पहला जो देश है वो कौन सा है, ईरान है, दूसरा देश आपका पाकिस्तान है और तीसरा कौन सा है यहाँ पर बेटा तुर्की, ये तीनों के तीनों देश हैं जिसके द्वारा इस इको की स्थापना की है जिसका फुल फॉर्म बनता है इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम की लड़ाई कब हुई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम की लड़ाई कब हुई थी, आप सभी बच्चे जानते हैं 326 ईसा पूर्व क्या हुई थी बेटा, यहाँ पर सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम की लड़ाई हुई थी। आपको कई जगह पर झेलम की लड़ाई मिलती है, कहीं पर क्या मिलता है, हाइड एंड स्पीज युद्ध मिलता है, क्या मिलता है, हाइड एंड स्पीज युद्ध मिलता है, तो आप लोग फ्रेंड्स इसे लिख लेंगे कि हाइड एंड स्पीज और झेलम की लड़ाई ये दोनों बेटा एक ही है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर झेलम की लड़ाई या फिर आपका हाइड एंड स्पीज का युद्ध ये दोनों एक ही है और जो किसके बीच में हुए थे, सिकंदर और पोरस के बीच में हुए थे, जो किसके बीच में हुए थे, सिकंदर और पोरस के बीच में हुए थे और कब हुए थे, 326 ईसा पूर्व हुए थे, सभी बच्चे लिख लीजिएगा आपका फ्रेंड्स ये किस में, पंजाब क्षेत्र में। अगली बात लिखेंगे कि ये कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स पंजाब क्षेत्र में स्थित है, इस बात को आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 3 राइट आंसर हो जाएगा। चले फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपसे पूछा गया है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का क्या नाम है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा, उनकी बायोग्राफी आपको बतानी है, फटाफट से बताइएगा, सभी बच्चे याद रखेंगे प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे आपकी फ्रेंड्स लूशन जीके की क्लास, 9:30 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास, पहले क्वेश्चन के साथ आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ेंगे, क्लास में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम की जो पुस्तक है उसका नाम है, जो इनकी बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, आपका फ्रेंड्स विंग्स ऑफ
ऑफ फायर है जो एपीजे अब्दुल कलाम की क्या है, यहाँ पर फ्रेंड्स आत्मकथा है। और ये हमारे देश के क्या थे, 11वें राष्ट्रपति थे, सभी बच्चे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़ना है। नया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। तो सभी मेरे शेर श्रेणियों लिखेगा आपका बेटा ऑप्शन नंबर चार, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड को। इसकी राजधानी क्या है, लिखेगा न्यूजीलैंड की, जब आपसे क्या पूछी जाएगी राजधानी, तो सभी मेरे शेर श्रेणियों लिख लेना वेलिंगटन। आपका फ्रेंड्स क्या है, वेलिंगटन है जो यहां पर क्या है आपकी न्यूजीलैंड की राजधानी है, सभी बच्चे लिख लेंगे। यहां पर फ्रेंड्स सबसे बड़ा शहर, इसका सबसे बड़ा शहर लिखेगा ऑकलैंड। सबसे बड़ा शहर की जब बात आएगी लिखेगा बेटा सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड, सभी बच्चे लिखेंगे। लिखने में कंजूसी ना करें, जितना लिखेंगे जितना आप पेन को चलाएंगे उतनी ही चीजें आपको याद होंगी। इसके बाद में यहाँ की मुद्रा क्या है, तो सभी बच्चे मुद्रा और लिखिएगा न्यूजीलैंड। आपका फ्रेंड्स क्या, न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की क्या है, मुद्रा है। आप सभी बच्चे इस बात को भी लिख लीजिएगा, न्यूजीलैंड डॉलर क्या है, यहाँ की मुद्रा है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कीवी है। सभी बच्चे इस बात को भी लिख लीजिएगा, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, आपका ऑप्शन नंबर चार न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा कि मैला आंचल के लेखक कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ये जो आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ना, ये जो रचनाएं यहाँ पर पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपकी जीके में नहीं, आपकी हिंदी में मदद करेंगी। यहाँ पर जो रचनाएं आप पढ़ेंगे, ये आपकी यहाँ पर फ्रेंड्स जीके में नहीं, हिंदी में मदद करेंगे। सभी रचनाओं को आपने लिखना है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बना, मैला आंचल के लेखक हैं आपके फ्रेंड्स फणीश्वर नाथ रेणु। लिखिएगा मैला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु है जो आपके फ्रेंड्स मैला आंचल के लेखक हैं। अब आती है बेटा कौन, महादेवी वर्मा। अब दूसरी कौन आती है, महादेवी वर्मा, जिसको क्या कहते हैं आधुनिक भारत की मीरा, है ना। महादेवी वर्मा को क्या कहते हैं, आधुनिक, आपका फ्रेंड्स क्या, आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। किसको, यहाँ पर फ्रेंड्स से महादेवी वर्मा को। अब इनकी पुस्तकें लिखेगा, कौन कौन सी पुस्तकें हैं। पहली है गिल्लू, आपका पहली पुस्तक का नाम क्या है, गिल्लू, जो गिलहरी की यहाँ पर बेटा पुस्तक, यहाँ पर क्या थी कहानी थी गिल्लू, वो किसने लिखी, महादेवी वर्मा ने। दूसरी यामा नामक पुस्तक भी किसने लिखी है, यहाँ पर महादेवी वर्मा ने। निर्जा नामक पुस्तक को भी किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने लिखा है। इसके साथ ही दीप शिखा पुस्तक को भी किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने लिखा है। नीलकंठ पुस्तक को भी किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने। लिख लीजिएगा बेटा, ये सभी की सभी पुस्तकें आपकी जीके के साथ साथ बेटा किसमें भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फ्रेंड्स हिंदी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे लिख लीजिएगा। अगला फ्रेंड्स नीरद सी चौधरी के द्वारा क्या लिखी गई है, एन अननोन इंडियन। आपका फ्रेंड्स एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है, एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक को लिखा है किसने, नीरज सिसो चौधरी ने। आपका फ्रेंड्स यहां पर कब लिखा है, 1951 में लिखा है। कब लिखा है, 1951 में लिखा है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। सिरका पानी में कितने प्रतिशत, सिरका पानी में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। राम राम भाई सभी को, सभी प्यारे साथियों को राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप सभी बच्चे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर 5%। आपका बेटा जो सिरका होता है क्या होता है, विनेगर। विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है, विनेगर का फॉर्मूला होता है आपका फ्रेंड CH3COOH, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। आपका फ्रेंड जिसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, क्या कार्बोक्सिलिक, यहां पर क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स इसको इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं ना, इथेनोइक एसिड के नाम से भी किसको जानते हैं, यहां पर फ्रेंड्स आपका किसको जानते हैं, विनेगर को जानते हैं। आपका फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है, 95% पानी होता है, क्या होता है, 95% वाटर होता है, और 5% इसमें क्या होता है आपका फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल होता है। 5% क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, सभी बच्चे लिख लीजिएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चार, ठीक है ना। 5% क्या होता है, 5% यहाँ पर फ्रेंड्स इसके अंदर विनेगर होता है और आपका एसिटिक अम्ल होता है, और आपका फ्रेंड्स 95% वाटर होता है। आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर क्लास रहेगी प्रतिदिन
दिन शाम को 7:30 पर रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास, सुबह आपके बेटा 6:30 बजे और दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा है संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी चीजों को आप लोग फ्रेंड्स अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करते रहिए ताकि फ्रेंड्स आप लोग सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पा सके, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग बेटा चाहे कितनी भी किताबें खरीद लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है, किताबों का यहाँ पर चाहे ढेर लगा लेना, जब तक आप लोग अपने नोट्स खुद प्रिपेयर नहीं करोगे, जब तक आप चीजों को खुद से नहीं लिखोगे, किताबें खरीदने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आप लोग चाहे किताबों का ढेर लगा लेना और उसके बाद में मुझे बता देना सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन लेने के लिए आपको खुद के नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, खुद से उन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू लिखेगा, जवाहरलाल नेहरू है जिनके द्वारा बेटा संघ संविधान समिति की गठन किया, क्या क्या संघ संविधान की समिति का गठन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला जो बनता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या किया, परामर्श समिति का गठन, परामर्श समिति का गठन किसने किया था, यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लिख लीजिएगा बेटा। राजेंद्र प्रसाद ने झंडा समिति का गठन किया था, आप सभी बच्चे इस बात को भी लिख लेंगे कि झंडा समिति का, इस क्वेश्चन में आप हर बार गलत करते हैं कि झंडा समिति के गठन की बात आती है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप वहां पर लिखते हैं जेपी कृपलानी, क्या लिखते हैं जेपी कृपलानी लिखते हैं, लेकिन इसको दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दें और यहां पर आप याद रखेंगे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगली जो बात आती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या की गई थी बेटा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा आप लोगों की जांच समिति की स्थापना की गई थी, यहां पर जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, जांच समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, सभी बच्चे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर आप सभी लिखेंगे, नोट्स आप खुद बनाएंगे, ठीक है ना, नोट्स आप खुद बनाएंगे, तो आपको जो मैं चीजें लिखवाने लग रही उनको आप लिखिए, ऊपर क्वेश्चन लिखिए, नीचे उनके ऑप्शन लिखिए, सबकी डिटेल लिखिए, नोट्स बन गए, ठीक है ना। आप इनके यहां पर जो क्या है नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए, आपको किसी नोट्स की क्या आवश्यकता है, अपने हाथ से लिखोगे तो आपको चीजें यादें भी होंगी और लंबे समय तक आपके पास सेव भी रहेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, इंटरनल एक्सप्लोरर क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर क्या, वेब ब्राउजर है आपका फ्रेंड्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपका फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है किस भारतीय यहां पर बेटा किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्थापना की गई, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा और जिसको भाई ज्यादा बकवास सूझ रही हो, जिसको नहीं पढ़ना हो, कोई बात नहीं बेटा, आप आराम कीजिए, ठीक है ना। यहां पर क्लास में गंद फैलाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपको पढ़ना है तो आपका मोस्ट वेलकम है, अदरवाइज बेटा आपको यही काम करने हैं तो ऐसा कीजिए, आप दूसरी स्ट्रीमिंग जो खाली पड़ी उस पर बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर लीजिए। हो सकता है कि आपके लिए आपका टाइम यहाँ पर इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मेरे जो दूसरे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ लेने दीजिए, उनका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है ना। अब की बार मुझे आप यदि बकवास करते हुए मिलते हैं तो मुझे आपको बेटा बेवजह बेइज्जत करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, तो ऐसे काम ना करवाएं। आपको पढ़ना है तो आपका बहुत बहुत वेलकम है, नहीं पढ़ना है तो आप बेटा इज्जत के साथ यहाँ से प्रस्थान करें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 लिखेगा बेटा। अधिनियम 1935 के द्वारा क्या किया गया, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अधिनियम 17 लिखेगा बेटा, अधिनियम 17 किससे रिलेट करता है, सभी बच्चे लिखेंगे, डाकघर नगदी पत्र, आपका फ्रेंड्स क्या, डाकघर नगदी पत्र है जो आपका फ्रेंड्स, ये किससे रिलेट करता है, डाकघर नगदी पत्र अधिनियम आपका फ्रेंड्स रिलेट करता है 1917 से, लिख लीजिएगा बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डाकघर नगदी पत्र अधिनियम किससे रिलेट करता है, अधिनियम 1917 से रिलेट करता है, और अधिनियम 1921 से, और लिख लीजिएगा आपका फ्रेंड्स यहां पर हो जाएगा इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, क्या, इंटरमीडिएट आपका फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट जो शिक्षा अधिनियम है वो आपकी फ्रेंड्स किससे रिलेट करती है, वो रिलेट करती है आपकी फ्रेंड्स 1921 से, सभी बच्चे लिख लीजिएगा, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 1935। क्लियर, क्या आपको समझ में आया।
आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अधिनियम 1935 किससे रिलेट करता है, आपका केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना से रिलेट करता है, अनुच्छेद आपका अधिनियम 1917 डाकघर में बेटा नकदी पत्र अधिनियम से रिलेट करता है, और इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम आपकी 1921 में आती है। सभी बच्चे याद रखेगा OCR का अर्थ क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR, OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सभी बच्चे लिखेगा ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, आपका फ्रेंड्स क्या ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। प्रणाम सभी बच्चों को, सभी प्यारे साथियों को राम राम, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन में आपको दो नई चीजें सीखने को मिलेंगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में आप लोगों के फ्रेंड्स दो डाउट क्लियर होंगे और वो आपके यहाँ पर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और हर बार बच्चे इसको 50-50 में गलत करके आते हैं। तो आपका समय का अध्ययन क्या कहलाता है, होरोलॉजी कहलाता है। पहली बात मेरी ध्यान से सुनेगा, आपसे जो समय क्वेश्चन पूछा गया था कि समय का अध्ययन क्या कहलाता है, होरोलॉजी कहलाता है पहला क्वेश्चन। दूसरी बात आती है बेटा न्यूमेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो लिखिएगा न्यूमेरोलॉजी में होता है अंकों का अध्ययन, न्यूमेरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, अंकों का अध्ययन होता है, ठीक है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगली जो बात आती है क्या, यहाँ पर हिस्टोलॉजी, एक शब्द है आपका फ्रेंड्स क्या हिस्टोलॉजी, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, एक शब्द है हिस्टोलॉजी और एक शब्द है आपका फ्रेंड्स हिस्टोलॉजी, आपका फ्रेंड्स एक शब्द है हिस्टोलॉजी, एक शब्द है आपका फ्रेंड्स हिस्टोलॉजी, एक पर ओ की मात्रा, एक पर अर्धचंद्र बिंदु है। जब आपका फ्रेंड्स इस टाइप से शब्द लिखा होगा, ध्यान से देखिएगा, जब आपका शब्द इस प्रकार से लिखा होगा उसमें आपने लिखना है शरीर के उत्तक, क्या शरीर के उत्तक, शरीर के उत्तक एवं आपका फ्रेंड्स एवं विषय संबंधित, क्या संबंधित विषय, आपका फ्रेंड्स हिस्टोलॉजी में क्या होगा शरीर के उत्तक एवं आपका फ्रेंड्स यहां पर संबंधित विषय किस में आएगा, आपका फ्रेंड्स इस हिस्टोलॉजी में आएगा। क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, जब आपका फ्रेंड्स यहां पर हिस्टोलॉजी जब इस टाइप का होगा तो आप उसमें क्या लिखेंगे शरीर के उत्तक एवं संबंधित विषय, और आपका फ्रेंड्स जब यहां पर इस प्रकार से हिस्टोलॉजी होगा तो उसमें होगा आपका उत्तकों का अध्ययन, उसमें क्या होगा बेटा उत्तकों का अध्ययन, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों को स्पेशल रूप से क्या देखना है, इस चीज पर फोकस करनी है कि आपका हिस्टोलॉजी किस प्रकार से लिखा हुआ है, बात क्लियर है, क्या आपको ये बात समझ में आई, आपका फ्रेंड्स ये दोनों समझ में चीजें आ गई, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होरोलॉजी। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे, सुबह 6:30 बजे और आपकी बेटा दोपहर में 2 बजे होती है आपके लूशन जीके की क्लास, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है, सभी बच्चे लिखेगा ऑप्शन नंबर 1 आपका फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर, कहाँ पर स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या हजरत बल दरगाह, सभी बच्चे याद रखेगा। आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर चंडीगढ़ में क्या स्थित है लिखे सुखना झील, आपकी फ्रेंड्स कहां पर है चंडीगढ़ में स्थित है ना, सुखना झील है वो आपके बेटा कहां पर है चंडीगढ़ में स्थित है। रोज गार्डन भी कहां पर है आपका फ्रेंड्स चंडीगढ़ में स्थित है, इसे भी आप लिख लेंगे। एशिया में सबसे अधिक आपके गुलाब कहां पर होते हैं बेटा चंडीगढ़ में होते हैं। हरियाणा में यदि बात की जाए तो आपका फ्रेंड्स यहां पर कल्पना चावला, क्या कल्पना चावला तारामंडल कहां पर स्थित है आपका फ्रेंड्स हरियाणा में स्थित है, इस बात को भी आप लिख लीजिएगा कि कल्पना चावला तारामंडल आपका फ्रेंड्स कहां पर स्थित है हरियाणा में स्थित है, सभी बच्चे लिख लेंगे। आपका फ्रेंड्स यहां पर जो आपके अगली जो बात आती है उत्तर प्रदेश का पर्यटन स्थल यदि हम एक लें तो आपका फ्रेंड्स मरियम का मकबरा कहां पर स्थित है, मरियम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, आप बेटा इस बात को भी लिख लेंगे, ठीक है ना। मरियम का मकबरा कहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश में स्थित है, सभी बच्चे लिख लीजिएगा। आपका जम्मू कश्मीर में हजरत बल दरगाह स्थित है, चंडीगढ़ में सुखना झील, रॉक गार्डन और आपका फ्रेंड्स यहां पर रोज गार्डन हो गया। आपका हरियाणा के अंदर कल्पना चावला तारामंडल हो गया, आपका बेटा उत्तर प्रदेश में क्या हो गया मरियम का मकबरा हो गया, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स एक राइट आंसर हो जाएगा।
गंगा का उल्लेख किस वेद में एकमात्र बात किया गया है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, स्वागत है आप सभी फ्रेंड्स का। जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, यदि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है, प्रतिदिन क्लासेस का यहां पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। शाम को 7:30 बजे लूशन जीके की क्लास के लिए, 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार किसमें किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। किसमें किया गया, ऋग्वेद में क्या गया, ऋग्वेद में क्या आते हैं आपके फ्रेंड्स मंत्रों का, ठीक है ना। मंत्रों को किस में लिया गया, ऋग्वेद में लिया गया। आपका फ्रेंड्स यहां पर सामवेद में क्या है, शास्त्रीय संगीत है। आपका सामवेद में क्या है, शास्त्रीय संगीत आपका सामवेद में आता है। सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स एक राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो जिस टाइम पर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, क्या चल रहा था, जिस टाइम पर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था यानी कि 1942 के अंदर कौन थे बेटा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पर कौन था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद था, जो बाद में भारत के क्या बने, प्रथम शिक्षा मंत्री बने, है ना। यहां पर स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री आपके बेटा कौन बने थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने थे, सही बात है आपका फ्रेंड्स। यहां पर अगली जो बात आती है कि स्वतंत्र भारत के क्या, स्वतंत्र जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम पर आपके फ्रेंड्स यहां पर कौन थे, जेबी कृपलानी, यानी कि 1947 में कौन थे, जेबी कृपलानी थे। अब बच गया कौन, जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू कब थे, सुन लीजिएगा, एक तो बने बेटा 1936 में, जवाहरलाल नेहरू एक बार तो बने 1936 में और एक बार बने 1937 में, ठीक है ना। लगातार दो बार ये क्या बने थे यहां पर फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1936 में हुई आपकी फ्रेंड्स लखनऊ में, 1936 में जो हुआ था वो हुआ लखनऊ में, और आपका फ्रेंड्स 1937 में कहां पर हुआ, फैजपुर में, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर 1937 में हुआ था वो फैजपुर में। इन दोनों के अध्यक्ष कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे। सभी बच्चे लिख लीजिएगा, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आत्म सम्मान आंदोलन के जनक कौन थे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि आत्म सम्मान आंदोलन के जनक कौन थे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 रामा स्वामी नायकर हैं, जो किसके बेटा, आत्म सम्मान आंदोलन के जनक थे। आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किने जाता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है, तो सभी बच्चे लिखेंगे पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय जाता है लॉर्ड हस्टिंग को। किसको जाता है, लॉर्ड हस्टिंग को जाता है, पिंडारियों के उन्मूलन का समय। इसका शासनकाल कब स्टार्ट हुआ, 1773 में। इसका शासनकाल कब से स्टार्ट हुआ था, 1773 से लेकर 1785 तक, लिख लीजिएगा बेटा 1773 से लेकर 1785 तक कौन था यहां पर, लॉर्ड हस्टिंग था, जिसने भारत पर शासन किया और इसने क्या किया, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय जाता है। लॉर्ड डलहौजी आपका बेटा कब है यहाँ पर, 1848 में बना, 1848 से लेकर कब तक रहा आपका फ्रेंड्स, 1856 तक रहा, 1848 से लेकर 1856 तक रहा। इसने क्या किया, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, है ना। इसने क्या किया, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। लॉर्ड कर्जन कब बना आपका फ्रेंड्स, 1899 में, 1899 से लेकर कब तक रहा, 1905 तक। और इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। इसी के शासनकाल में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। इसके बाद में बचा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन कब बना, 1876 में। आपका फ्रेंड्स कब तक रहा, 1880 तक। लॉर्ड लिटन कब बना, 1876 से लेकर 1880 तक। और इसने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया। क्या किया बेटा, इसने किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित। आप इस बात को भी याद रख लें, ठीक है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित करने का श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड लिटन को जाता है। क्लियर है आपका फ्रेंड्स। यहां पर ध्यान से अगले क्वेश्चन को देखिएगा कि भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और यहां पर फ्रेंड्स आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2
रामानुजाचार्य, आपका फ्रेंड्स रामानुजाचार्य है जो क्या बने थे, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता थे, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत की सीमा ज्यादा किस देश के साथ लगी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और इसमें एक बेहतरीन कमाल की ट्रिक आपको मैं बताती हूँ, सभी बच्चे फटाक से लिखेगा कि भारत की सीमा सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, तो आप सभी जानते हैं बांग्लादेश के साथ। सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। अब लिखो मेगा बंगाली ने, जी हाँ दोस्तों आपकी शॉर्ट ट्रिक जो यहां पर फ्रेंड्स क्या है, भारत के राज्य जो किसके साथ लगते हैं, बांग्लादेश के साथ लगते हैं, अब उनको लिखते हैं ठीक है ना। आप लिखिएगा मेगा बंगाली, क्या मेगा बंगाली ने, आपका फ्रेंड्स मेगा बंगाली ने असम और त्रिपुरा, क्या मेगा बंगाली ने असम और त्रिपुरा, क्या असम और त्रिपुरा में रम पी, आपका फ्रेंड्स रम में रम पी, आप इसको क्या बना लेंगे, शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे, आप इसको क्या बना लेंगे, शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे कि मेगा बंगाली ने क्या किया बेटा, त्रिपुरा और आपका फ्रेंड्स यहां पर त्रिपुरा और आपका त्रिपुरा में रम पी थी ठीक है ना, त्रिपुरा में क्या की थी, रम पी थी, लिख लिया। आपका फ्रेंड्स मेघा से बन गया मेघालय, मेघा से क्या बन गया, मेघालय ठीक है। आपका फ्रेंड्स दूसरा यहां पर बंगाली से बन गया पश्चिम बंगाल, लिख लीजिएगा यहां पर बंगाली से क्या बन गया, पश्चिम बंगाल। असम आपका एज इट इज असम हो गया, आपका फ्रेंड्स एक क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, सही बात है ना, एक क्या हो गया आपका त्रिपुरा हो गया, एक आपका क्या हो गया मिजोरम हो गया, एक आपका क्या हो गया मिजोरम, आप लिख लेंगे सभी बच्चे यहां पर एक आपका क्या बन जाएगा मिजोरम। और इन सभी की सीमाएं किसके साथ लगती हैं, आपकी फ्रेंड्स यहां पर बांग्लादेश के साथ लगती है, किसके साथ लगती हैं, बांग्लादेश के साथ लगती हैं, कितनी लगती हैं, बिल्कुल 4096 किलोमीटर लगती है, कितनी लगती हैं 4096 किलोमीटर लगती हैं। क्या आपको क्लियर हुआ, हाँ जी फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग है, हो जाएगी याद, हाँ भाई कि मेगा बंगाली ने असम और त्रिपुरा में रम पी थी, आपकी फ्रेंड्स ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी जिसके साथ बांग्लादेश के राज्य के, बांग्लादेश के साथ भारत के राज्य लगते हैं। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शॉर्ट ट्रिक को आप सभी एक जगह लिख लेना कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपका बेटा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, माउंट दुलियार। इस क्वेश्चन को तुम गलत करोगे, इस क्वेश्चन को तुम गलत करोगे, आपसे यहां पर क्या पूछा गया ध्यान से सुन लेना कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, बात किसकी हुई निकोबार की हुई, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट दुलियार है। और आपका फ्रेंड्स यहां पर जब क्या पूछी जाएगी, अंडेमान निकोबार की, अगली बात सुनिएगा कि अंडेमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी, अंडेमान और निकोबार की जब सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो आप क्या करोगे, सैंडल पिक करोगे, यहां पे कंफ्यूज होने वालों याद रखना ठीक है ना। सैंडल पिक आपकी कब होगी, सैंडल पिक जब होगी जब आपकी अंडेमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी, और जब सिर्फ आपकी निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो क्या आ जाएगी, माउंट दुलियर, क्या आ जाएगी माउंट दुलियर, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन। मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और आप सभी बच्चे याद रखेंगे वेगई नदी के, मदुरई कहां पर स्थित है, वेगई नदी के किनारे स्थित है, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर एक। कावेरी नदी के किनारे कौन है, तिरुचिरापल्ली, लिख लीजिएगा कावेरी नदी के किनारे कौन है, तिरुचिरापल्ली है, आप सभी बच्चे लिख लेंगे ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला बनता है क्या, कृष्णा नदी के किनारे क्या स्थित है, लिखिएगा बेटा विजयवाड़ा, कृष्णा नदी के किनारे क्या स्थित है, विजयवाड़ा स्थित है, सभी बच्चे लिख लीजिएगा। आपका फ्रेंड्स पेरियार नदी के किनारे क्या है, तमिलनाडु और केरल, पेरियार नदी के किनारे क्या है, तमिलनाडु और आपका फ्रेंड्स यहां पर केरल, दोनों में क्या है, यहां पर पेरियार नदी बहती है, आप सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर एक, वेगई नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में काली मिर्च की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे फोन चार्ज में नहीं है तो आप लोग बेटा फोन को चार्जिंग में लगा लो ठीक है ना, हमारे भी सारे दिन यहाँ पर एक फोन चार्जिंग में, यहाँ पर क्या है अब जैसे बैटरी की जरूरत पड़ने लगी तो यहाँ पे देखो
दो बैटरी आपकी लगी हुई है, दो मेरे पास है, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली चार्ज होती रहेंगी, जब ये खत्म होगी तो दूसरी लगा लेंगे, ठीक है ना। जो आपकी लगी हुई है वो खत्म हो जाएंगी जब दूसरी लगा लेंगे। सारे दिन बेटा मैं भी तो बैटरी चार्ज करती हूँ तो तुम भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है आपका। फ्रेंड्स यहाँ पर भारत में काली मिर्च की खेती सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। कहाँ पर होती है, केरल में सबसे ज्यादा किसकी, यहाँ पर फ्रेंड्स काली मिट्टी की, यहाँ पर काली मिर्च का उत्पादन होता है। मसालों का उत्पादन भी सबसे अधिक कहाँ पर होता है, मसालों का उत्पादन भी सबसे अधिक केरल में होता है ना, मसालों का उत्पादन भी सबसे अधिक केरल में होता है आपका फ्रेंड्स। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक, गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक, दूध का उत्पादन सबसे अधिक आपका फ्रेंड्स। चमड़े का उत्पादन भी सबसे अधिक कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, सभी बच्चे लिख लेंगे आपका फ्रेंड्स। इसके साथ ही महाराष्ट्र में क्या होता है, प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कर्नाटक में लिख लीजिएगा बेटा रेशम। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स चंदन, चंदन के साथ ही कहवे का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, कर्नाटक में होता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, ऑप्शन नंबर चार आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में लाल मिर्च की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, भारत में लाल मिर्च की सबसे अधिक खेती कहाँ पर होती है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंटर को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में क्या होती है, सबसे ज्यादा यहां पर लाल मिर्च का उत्पादन होता है। तमिलनाडु में बेटा सबसे ज्यादा केले का उत्पादन, साथ ही आपका कहवे के उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है। कहवे के उत्पादन में कौन से नंबर पर आता है, थर्ड नंबर पर आता है, कौन, तमिलनाडु, सभी बच्चे याद रखेगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। दुलहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास, सुबह 6:30 बजे लूशन जीके की क्लास और 2 बजे दोपहर में रहेगी लूशन जीके की क्लास। तो जो बच्चे क्लास में नहीं पहुंच रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपका फ्रेंड्स दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती परियोजना कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। आपका फ्रेंड्स पंजाब के अंदर कौन सी है, रणजीत सागर परियोजना, लिख लीजिएगा रणजीत सागर परियोजना। आपकी फ्रेंड्स रणजीत सागर परियोजना कहां पर है, पंजाब के अंदर स्थित है, लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स यहां पर भाखड़ा नंगल परियोजना, क्या आपकी फ्रेंड्स भाखड़ा नंगल परियोजना आपकी, इसके साथ ही फ्रेंड्स नांगल परियोजना होगी। इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स इंदिरा नहर परियोजना, क्या इंदिरा नहर परियोजना, लिख लीजिएगा, लिखने में कंजूसी मत करना, इंदिरा नहर परियोजना। इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स यहां पर व्यास नदी परियोजना, क्या व्यास नदी परियोजना आपकी फ्रेंड्स ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है आपकी बेटा हरियाणा, पंजाब और किसमें, राजस्थान में। ये तीनों की तीनों परियोजनाएं कहां पर है, तो हरियाणा के अंदर, आपकी फ्रेंड्स पंजाब के अंदर और साथ ही राजस्थान के अंदर। ये तीनों की तीनों परियोजनाएं क्या हैं, एक साथ है, सभी बच्चे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इन सभी को आपने फ्रेंड्स एक जगह पर कर लेना है। इसके बाद में आपकी फ्रेंड्स से अगला लिखेगा टिहरी नदी परियोजना। आपका फ्रेंड्स टिहरी बांध जो परियोजना है, क्या है, टिहरी बांध परियोजना आपकी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। सभी बच्चे इस बात को भी लिख लेंगे, टिहरी बांध परियोजना कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है, इसको और लिख लीजिएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर एक राइट आंसर हो जाएगा, सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहां स्थित है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय एटलस नया क्वेश्चन है, कॉपी में फटाफट से लिखेंगे। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। क्वेश्चन पर फटाफट से आपने कॉपी के अंदर लिखना है कि राष्ट्रीय एटलस और विषयक चित्र संगठन कहां पर स्थित है आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिस क्वेश्चन पे मैं ये कहूं कि बेटा ये आपका नया क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कॉपी में लिखा करो, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो बेटा। आप लोग खुद अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेगो, आपके किसी की नोट्स की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर तीन कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, 1952 से। आपका फ्रेंड्स भारत में वन महोत्सव कब से स्टार्ट हुआ,
1952 से स्टार्ट हुआ भारत रत्न की शुरुआत आपकी फ्रेंड्स क्या, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में, 1950 में योजना आयोग की स्थापना, योजना लिखिएगा बेटा, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, 1948 में आरबीआई को क्या, आरबीआई को भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, आरबीआई को भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र में कब लिया, 1948 में। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1952। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है। इस क्वेश्चन में आप पजल हुओगे, इस क्वेश्चन में आप लोग पजल होगे, मैं पहले कह रही हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले सुनिएगा, इस क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से सुनेंगे कि 10 लाख हाथियों की भूमि, 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से किसको जाना जाता है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाओस को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, लाओस को जाना जाता है, किसके नाम से, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर थाईलैंड को किसके नाम से जानते हैं, सफेद हाथियों के देश के नाम से, किसके नाम से, सफेद हाथियों के देश के नाम से किसको जानते हैं, थाईलैंड को जानते हैं, ठीक है ना। हाथियों के देश का नाम किसको दिया है आपका फ्रेंड्स यहां पर, थाईलैंड को। क्या आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ, इज इट क्लियर। हां जी फ्रेंड्स, थाईलैंड वालों ध्यान से सुन लो कि 10 लाख हाथियों की भूमि किसको कहेंगे, लाओस को। मैंने पहले कहा था अरे आगे कुआ है, बोले मैडम गिरेंगे नहीं तो एक बार देख तो आए कितना गहरा है, अब की बार नहीं तो अगली बार गिर जाएंगे। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर कंफ्यूजन क्लियर कीजिएगा कि 10 लाख हाथियों की भूमि लाओस और सफेद हाथियों की भूमि क्या है आपकी, थाईलैंड है। क्या है, थाईलैंड है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका बेटा वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, आपको इसके बारे में बताना है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ है। कौन है, एडम स्मिथ है, जो वेल्थ ऑफ नेशन के यहां पर लेखक है और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी है इंडिया डिवाइडेड। आपका राजेंद्र प्रसाद के द्वारा क्या लिखी गई है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक को लिखा गया। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहां पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल की खोज किसने की थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एक बार सभी बच्चे फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, क्योंकि भाई सुबह से लगी हुई हूं अब, है ना, वो क्या करे, बूस्टर डोज चाहिए। फटाफट से सभी बच्चे लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कोपरनिकस ने। किसने की थी, कोपरनिकस ने क्या की थी, सौर मंडल की खोज की थी। अगली बात लिखिएगा, गैलीलियो के द्वारा दूरदर्शी की खोज की गई, क्या की गई थी, दूरबीन की या दूरदर्शी, दूरबीन लिख लो भाई, दूरबीन की खोज किसने की थी, यहां पर गैलीलियो ने की थी। कैपलर के द्वारा ग्रहों के गति नियम को दिया गया, क्या दिया, ग्रहों का गति, ग्रहों की गति नियम को अपना बेटा कैपलर के द्वारा दिया गया। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की, शून्य की खोज की। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की, शून्य की खोज की। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोपरनिकस। कोपरनिकस राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। आपका बेटा ग्रह, ये क्वेश्चन आ गया ना कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, आपका फ्रेंड्स फटाफट से, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहां पर स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब आप लोग बेटा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। आप लोग जब यहाँ पर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, 1 महीने बेटा डट के पढ़ाई कर लो। लिखने की जो मैं बात कह रही हूँ उसको लिख लीजिए, क्योंकि 21 दिन यदि आप लगातार लिख लेते हैं आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आपको लिखे बिना रहा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। प्लीज रिक्वेस्ट है कि लिखने की आदत डालिए, लिखते चलिए। आपका फ्रेंड सी ऑफ ट्रिक्विलिटी किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3, चंद्रमा को सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते, लिखिएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहां पर चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है संघाई को। किसको कहा जाता है, संघाई को। और भारत का मैनचेस्टर, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर भी लिख लीजिएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर अहमदाबाद कौन है, अहमदाबाद है जो भारत का क्या है, मैनचेस्टर है, या फिर आपका फ्रेंड्स भारत का
बोस्टन है, या फिर आप क्या पूछ सकते हैं कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो भारत का बोस्टन या भारत के मैनचेस्टर के नाम से अहमदाबाद को जाना जाता है। आप सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। यदि फ्रेंड्स आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो फटाफट से सभी बच्चे लाइक काउंट को लाइक करेंगे, प्रतिदिन क्लास में टाइम पर आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। 7:30 बजे सभी बच्चे लूशन जीके की क्लास में, शाम को हिंदी की क्लास में 5 बजे जाएंगे। आपका फ्रेंड्स भारत की आकृति कैसी है, फटाफट से बताइएगा कि भारत की आकृति कैसी है, कैसी है भारत की आकृति। आपका फ्रेंड्स यहां पर ये रहा भारत, ठीक है ना, आपकी फ्रेंड्स भारत की आकृति कैसी है। देखिएगा आपसे पूछा जाए कि भारत की आकृति कैसी है, तो यहां पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं भारत की आकृति कैसी है। एक कोना आपका बेटा ये हो गया, एक कोना आपका ये हो गया, एक कोना इधर से हो गया, एक कोना इधर, मतलब कि चतुष्फलकीय, चतुष्कोणीय, है ना। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय, मतलब कि उसके 4 कोने बने हुए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 1। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर के अंदर। क्या बेटा, नेशनल वुड फॉसिल पार्क है, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स अजमेर के अंदर क्या है, अढ़ाई दिन की झोपड़ी, है ना, अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपका फ्रेंड्स कहां पर स्थित है, अजमेर के अंदर स्थित है। आपका फ्रेंड्स किसके द्वारा बनवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, किसके द्वारा बनवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। महापद्मनंदे को क्या कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। महापद्मनंद को क्या कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स उग्रसेन के नाम से किसको जाना जाता है, महापद्मनंद को जाना जाता है। सभी बच्चे लिखिएगा उग्रसेन को किसके नाम से जानते हैं, महापद्मनंद के नाम से जानते हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया। आपका फ्रेंड्स पुनरुद्धार का मतलब क्या है कि वहां पर ऑलरेडी झील थी और वो बाय द चांस किसी कारण से क्या होगी बेटा, लुग यहां पर क्या होगी, छिप गई, या फिर उसकी जगह पर मिट्टी की लेयर आ गई और उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करवाया, उसको दोबारा से यहां पर क्या किया, सुदर्शन झील को स्टार्ट करवाया। किसने, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सकंद गुप्त ने। किसने करवाया था, सकंद गुप्त के द्वारा। लिखिएगा बेटा सकंद गुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। अभिलेख जैसे बेटा पुराने समय में, यहां पर क्या, पुराने समय के अंदर जैसे आपको यहां पर अकबर के शिलालेख, सॉरी अशोक के शिलालेख मिलते हैं, ठीक है ना, उसके 13वें शिलालेख में क्या है, उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। यहां पर फ्रेंड्स अलग अलग अभिलेख हैं, अजंता की गुफाएं, उनके अंदर भी क्या हुआ, लिखा हुआ, चित्रकला बनी हुई है, तो वो सभी अभिलेख आपके क्या कहलाते हैं, तो लिखिएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या, इपिग्राफी कहलाती। क्या कहलाती है, इपिग्राफी कहलाती। क्या कहलाती है, आपकी फ्रेंड्स अभिलेखों का अध्ययन, ठीक है। पोलोग्राफी में क्या किया जाता है, झूठ का पता लगाया जाता है। झूठ का पता किस में लगाते हैं, पोलीग्राफी में लगाते हैं, आपका फ्रेंड्स यहां पर याद रखिएगा। सिस्मोग्राफी में क्या किया जाता है, भूकंप का अध्ययन किया जाता है ना। सिस्मोग्राफी में भूकंप की जो बेटा रीडिंग है वो किस में ली जाती है, भूकंप की रीडिंग आपकी फ्रेंड्स यहां पर पता लगाया जाता है, किस में, सिस्मोग्राफी में। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा, विश्व का पहला विद्यालय कौन सा है, तक्षशिला में कब स्थापित हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, अरे तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं, गिर उठ चल भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप उसमें पजल हो रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उसमें आपकी हार नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार नहीं आया कॉपी में लिखिए, बाद में उसको दोबारा से रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स यही संक्षिप्त 3 से 4 साल हैं, यही साल हैं जिसके अंदर आप अपनी यहाँ पर क्या बना सकते हैं, अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं, अपने इतिहास को बदल सकते हैं। और यदि ये समय भी आप गिरने में, अपने आप को डिमोटिवेट करने में निकाल दोगे, तो बेटा फिर कामयाब कब होंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर 2, यहां पर 700 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा बेटा, विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला आपका फ्रेंड्स कब स्थापित किया गया, 700 ईस्वी में स्थापित किया गया, सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2। इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति, आपका फ्रेंड्स ये इंडिया गेट कहां पर है,
लिखवाया था ना कि तुम लोग यहाँ पर पजल हो गए इंडिया गेट और गेट ऑफ इंडिया में, तो फटाफट से सभी बच्चे लिखेंगे कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रही है, फटाफट से दीजिएगा आंसर। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखेगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास, 9:30 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास, और आप सभी बच्चे सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए यहाँ पर तैयार रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। इंडिया गेट कहां पर स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है, और अमर जवान ज्योति किनके लिए स्थापित की गई थी, जो 1971 में, लिखेगा 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, भारत व पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, किसको लेकर, यहां पर फ्रेंड्स युद्ध हुआ था किसको लेकर, बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए, तो उसमें जो हमारे वीर जवान शहीद हुए थे, क्या हुए थे, वीर जवान शहीद हुए थे, उनकी याद में आपकी फ्रेंड्स अमर जवान ज्योति को स्थापित किया। एक बार सभी बच्चे जय हिंद जय भारत वंदे मातरम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट से, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम सभी बच्चे लिखेंगे, एक बार दिल से इन्हें याद करते हैं, फटाफट से लिखेगा सभी बच्चे। भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ, भारत के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ, आप सभी बच्चे लिखेगा ऑप्शन नंबर 1780 में। भारत के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ, 1780 में हुआ, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट वन आपको क्या दिया है कि किस अभिनेत्री को विनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से आपकी फ्रेंड्स यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी एक्ट्रेस है, कौन सी अभिनेत्री है जिसको क्या कहा जाता है, विनस की मूर्ति, जिसको क्या कहा जाता है, विनस की मूर्ति, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मधुबाला, जिसको क्या, यहां पर नाम क्या है, मधुबाला। देविका रानी को सबसे पहले क्या मिला था, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, लिखवाया ना, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली कौन थी, यहां पर फ्रेंड्स देविका रानी थी, इसे भी लिख लेंगे, विनस की मूर्ति मधुबाला, और यहां पर फ्रेंड्स देविका रानी दादा साहिब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। यहां पर फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत और चीन के बीच में, यह क्वेश्चन भी करा हुआ है आप लोगों ने, बस आप लोगों को अब क्या पढ़ना है कि यह कब हुआ था, ठीक है ना, अब आपको क्या पढ़ना है कि यह कब हुआ था, कि भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए, तो पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर लिखेगा मेरे शेरों 29 अप्रैल 1954 को क्या हुआ था, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर। पहला क्वेश्चन बनता है पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किनके बीच हुए, भारत और चीन के बीच में हुए, ठीक है, भारत और चीन के बीच में कौन सा समझौता हुआ, पंचशील समझौता हुआ, और कब हुआ, 29 अप्रैल 1954 को हुआ, आप सभी बच्चे याद रखेगा। और 1962 में यहां पर क्या कर दी, चीन को से रुका थोड़ी ना जाता है, यहां पर चीन ने भारत के साथ क्या कर ली, लड़ाई कर ली, आक्रमण हुआ। 1962 की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, भारत व चीन के बीच में, है ना, भारत व चीन के बीच में क्या हुई थी, सन 62 यानी कि फ्रेंड्स 1962 की लड़ाई हुई थी, इस बात को भी आपने याद रखना है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछा गया है, आपको बताना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको हम क्या कहते हैं, एडीबी बैंक, एडीबी कहते हैं ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीबी। आप लोग सभी बच्चे आप WhatsApp पे मैसेज करके छोड़ दीजिए, ठीक है ना, आपको वहां पे बता देंगे। अभी फिलहाल बेटा यहाँ पर क्लास है, क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिख लीजिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपका फ्रेंड्स एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स ए बी, यहाँ पर क्या आपकी फ्रेंड्स एडीबी की फुल फॉर्म है, इस बात को आप लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आपसे कई बार पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीबी, तो आपका बेटा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। इसके बाद में अगली बात आती है कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, सभी बच्चे लिखेगा ऑप्शन नंबर 4 1966 में। इसकी स्थापना कब हुई, 1966 में हुई, आप सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा पूछा गया है डीएनए जांच केंद्र कहाँ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर बेटा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है ना, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, सभी बच्चे इसको भी लिख लेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए की फुल फॉर्म हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, डीएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, लिखिएगा बेटा डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ क्या, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहां पर फ्रेंड्स क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म है। और आपका फ्रेंड्स इसका जांच केंद्र कहां पर स्थित है, सभी बच्चे लिखेगा ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद में, ठीक है ना। हैदराबाद के अंदर क्या है, डीएनए जांच केंद्र, डीएनए एंड डायग्नोस्टिक केंद्र कहां पर स्थित है आपका फ्रेंड्स, हैदराबाद में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, सही बात है ना, मूसी नदी के किनारे स्थित है, लिख लीजिएगा। और ये किसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है, आप सभी बच्चे इस बात को भी लिख लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, पढ़ने में मजा आ रहा है क्या, फटाफट से एक बार कमेंट करेंगे सभी दोस्त, एक बार सभी बच्चे यस और नो में कमेंट करेंगे। और यदि पढ़ने में मजा आ रहा है तो एक बार सभी बच्चे दिल खोल के लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। प्रतिदिन 7:30 बजे इसी प्रकार की धुआंधार क्लास लेने के लिए चैनल पर बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। प्रणाम सभी को भाई। बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 2, महाराष्ट्र में। आपका फ्रेंड्स महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सुबह 6:30 बजे, दोपहर में आपकी 2 बजे, सुबह 6:30 बजे, दोपहर में 2 बजे, और शाम को बेटा 7:30 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई, सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2, 1905 में। 1905 में भारत में क्या हुआ रे, बंगाल विभाजन। 1905 में भारत में क्या हुआ, बंगाल विभाजन। किसके समय में हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। 1913 में क्या हुआ, यहां पर फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर को, जी हाँ दोस्तों लिखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को, उनकी पुस्तक कौन सी बेटा, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए क्या मिला, भारत रत्न मिला, क्या मिला, सॉरी क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। यहाँ पर फ्रेंड्स 1913 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, है ना, किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सभी बच्चे लिख लेंगे। 1909 में क्या हुआ, मार्ले मिंटो सुधार आया। 1909 में क्या आया, मार्ले मिंटो सुधार आपका फ्रेंड्स 1909 में आया। आपका फ्रेंड्स 1901 में क्या किया, 1901 में आपका फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, है ना। 1901 में क्या हुई, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, सभी बच्चे लिख लीजिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1905। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि लव म्यूजियम, ओहो लव म्यूजियम, लव म्यूजियम है किस देश में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया है, ठीक है ना, ठीक है रे, तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया है लव म्यूजियम। फटाफट से कीजिएगा कि लव म्यूजियम कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस में। फ्रांस में क्या है, लव म्यूजियम स्थित है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। लंदन में क्या था, आपका फ्रेंड्स वैक्स म्यूजियम था, ठीक है ना, वैक्स म्यूजियम, वो वाला वैक्स नहीं, कभी वो सोच लो। आपका फ्रेंड्स वैक्स म्यूजियम कहां पर है, वैक्स म्यूजियम स्थित है आपका फ्रेंड्स लंदन में, ठीक है ना, जो मोम के पुतले बनाए जाते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, यूनिसेफ दिवस। आपका फ्रेंड्स 11 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है, सभी बच्चे लिखेंगे पीवी नरसिम्हा राव। कौन है, पीवी नरसिम्हा राव है, जो यहां पर फ्रेंड्स इंडा, यहां पर क्या, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपसे पूछा गया चोल शासकों की भाषा क्या थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, फटाक से आंसर कीजिएगा कि चोल शासकों की राजभाषा क्या थी, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तमिल। आपका फ्रेंड्स यहां पर याद रखिएगा कि दक्षिण भारत के जो शासक हैं, क्या है, दक्षिण भारत के जो शासक हैं आपके फ्रेंड्स, यहां पर चोल हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, इसके बाद में चालुक्य हो गया, पल्लव हो गया, इनकी फ्रेंड्स एक तो संस्कृत और दूसरी कौन सी, तमिल। एक तो संस्कृत और दूसरी कौन सी है, तमिल है, तो आप इन बात पर ध्यान रखिएगा। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तमिल। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, लोअर संग्रहालय कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। लोअर संग्रहालय कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स फटाक से दीजिएगा आंसर। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपका पेरिस में, वही तो है लोअर।
आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक पेरिस। सभी बच्चे याद रखिएगा, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक पेरिस राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहाँ पर सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर जो पत्तियां हैं वो हरी किस वजह से दिखाई देती है, क्लोरोफिल की वजह से। अब क्लोरोफिल में कौन सा तत्व यानी कि आपका फ्रेंड्स कौन सा एलिमेंट पाया जाता है आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, मैग्नीशियम, है ना। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है आपका फ्रेंड्स, एमजी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा मैग्नीशियम किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन। आयरन पाइराइट्स का रासायनिक सूत्र क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी मेरे शेयर श्रेणियों फटाफट से दीजिएगा आंसर, और सभी बच्चे याद रखेंगे प्रतिदिन शाम को 9:30 बजे, सुबह 11 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप याद रखेंगे Fe2S क्या होता है, यहाँ पर आयरन पाइराइट्स का फॉर्मूला होता है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया, फटाक से कीजिएगा आंसर। आपको फ्रेंड्स मैं एक हिंट देती हूँ, क्या देती हूँ, एक हिंट देती हूँ। जब भी आपका फ्रेंड्स गाँवों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, मतलब कि गांवों के विकास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, लगभग जो क्वेश्चनों का आंसर होगा आपका 2 अक्टूबर तो पक्का होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि आपके देश का विकास कहाँ पर है, गांवों के से शुरू होता है। तो आपका फ्रेंड्स इस चीज़ को आप किससे भी याद रख सकते हैं कि 2 अक्टूबर 1975 राइट आंसर हो जाएगा। सन याद कर लीजिएगा कि भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया, 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट आपका बेटा यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा कि नीलकंठ महादेव मंदिर जो ऋषिकेश किस राज्य में स्थित है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। नीलकंठ है महादेव मंदिर ऋषिकेश किस राज्य में स्थित है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आजकल वो एक गाना ट्रेंड में चला हुआ ना, उत्तराखंड के राजा नंदी ने लेके आ जा, तो आपका फ्रेंड्स नीलकंठ महादेव, नीलकंठ किसको कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है, तो उत्तराखंड के राजा, तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश किस राज्य में स्थित है आपका फ्रेंड्स, उत्तराखंड में स्थित है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि भूगोल में दैवतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भूगोल में दैवतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ, तो सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 17वीं शताब्दी में। क्या हुआ था, 17th जो आपकी सेंचुरी थी जिसके अंदर भूगोल में दैवतवाद का विकास हुआ आपका बेटा 17th सेंचुरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि मैडम क्यूरी का जन्म कहां हुआ था आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मैडम क्यूरी बेटा ऐसी यहां पर महिला हैं जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन्हें 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, एक तो आपका केमिस्ट्री और दूसरा कौन सा, फिजिक्स, ठीक है। इन्हें आपका फ्रेंड्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जो थम केमिस्ट्री कहा करो, काफी के कहेंगे केमिस्ट्री ने केमिस्ट्री, तो यहां पर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों के अंदर इन्हें क्या मिला हुआ है बेटा, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और आपका फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज इनके द्वारा की गई थी। और आपका फ्रेंड्स इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पोलैंड में। कहाँ पर हुआ था, पोलैंड में हुआ था आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 पोलैंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। मेरा नाम रितु है बेटा, मैं आपके साथ यदवंशी सक्सेस पॉइंट चैनल से जुड़ी हुई हूँ। हरियाणा बेटा मेरा यहाँ पर क्या है, क्षेत्र है जहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेगा, विजन इंडिया 2020 करंट अफेयर का क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में रखा मिलेगा कि विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी। यहाँ पर बेटा विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे आंसर कीजिएगा। और कहते हैं ना कि देर से बनिए मगर जरूर कुछ बनिए, देर से बनिए मगर जरूर कुछ बनिए, क्योंकि वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं, ठीक है ना। आज तो आप लोगों से लोग क्या पूछेंगे, और बेटा कैसा है, तबीयत पानी कैसी है, ठीक है, पढ़ाई सही चल रही है। लेकिन आप लोगों का बेटा एक समय ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पर वैसे ही आप आसपास देखने लग रहे हैं, जब आपका दोस्त नौकरी ना लगा हो तब तक तो भाई साहब सारे दिन आपके पास पढ़ा रहेगा, आपसे बातें करेगा, सारे काम होंगे। लेकिन वो यदि नौकरी लग गया और आप नौकरी नहीं लगे तो भाई का थोड़े थोड़े दिन में आपका रवैया चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपनी
अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू बनानी आपकी खुद के हाथ में है। मेहनत पर विश्वास रखिए। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी। किसने लिखी? एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई थी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवाजी को राजा की उपाधि। ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुकी हूँ, मुझे फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छपा हुआ मिलना चाहिए। फटाफट से लिखेंगे कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी। शबाश मेरे शेरों, देखते हैं कौन सा यहाँ पर शेर शेरनी सबसे पहले पंजा मारता है इस क्वेश्चन पे और आंसर बताता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी। 9:30 बजे शाम को और 11:30 बजे रीजनिंग की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे और आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर। निकालो भाई फटाफट से आंसर देंगे कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी। आपका वाह भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, बिल्कुल सही। आपका बेटा राइट आंसर होगा औरंगजेब। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि दी गई थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक राजा और था, कौन? यहां पर राजा राम मोहन राय। दूसरा राजा की उपाधि किसे दी गई थी? राजा राम मोहन राय को दी गई थी। और वो किसने दी थी? फटाक से वो भी लिख दे। राजा राम मोहन राय को जो यहां पर उपाधि दी गई थी राजा की, वो किसने दी थी? वो लिखना एक बार फटाक से, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। सभी बच्चे फटाफट से लिखेंगे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, हम्पी आपका स्थित है ऑप्शन नंबर 3, तुंगभद्रा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर आपका हम्पी स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? आपका फ्रेंड्स यहां पर कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? आप सभी जानते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सोमदेव भट्ट। सभी जानते हैं इसके बारे में, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? सोमदेव भट्ट है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे शेर शेरनियों, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो फटाक से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर आपका जापान। जापान का राजतंत्र सबसे प्राचीन है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग उमदा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से मेरे शेर श्रेणियों मेहनत कीजिए और अब की बार एग्जाम पार कीजिए। आपका फ्रेंड्स यहां पर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश था ऑप्शन नंबर 3 मलेशिया। लिखेगा राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स की सबसे पहले मेजबानी मलेशिया ने की थी। सभी बच्चे लिख लेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है भारत के संविधान के शिल्पकार। सभी जानते हैं, सभी बच्चे यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, एक एक बच्चा जानता है इस क्वेश्चन के बारे में। आप सभी लिखेंगे कि भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है। मैं जानती हूं आप सभी जानते हैं क्वेश्चन के बारे में, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे छापेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बीआर अंबेडकर। बिल्कुल सही, बीआर अंबेडकर हैं, जिसे क्या कहा जाता है, संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, संविधान का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी बच्चे याद रखिएगा, सुबह 6:30 बजे लूशन जीके की क्लास, दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी बेटा लूशन जीके की क्लास। सभी क्लासेस में टाइम पर पहुंचे। आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप सभी बच्चे याद रखिएगा, आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है पियरे डी कुर्तबीन को। यहां पर क्या, पियरे डी यहां पर कुर्तबीन है जिन्हें बेटा क्या कहा जाता है, आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, आप सभी बच्चों को पता है कि सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। सभी बच्चे एक बार देखना, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो आप सभी को पता है कौन सा है रे, उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जिसमें सबसे ज्यादा निर्वाचन होता है, निर्वाचन वाला क्षेत्र है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लोकसभा की कितनी सीटें यहां पर? सभी बच्चे लिखेंगे कि लोकसभा की कितनी सीटें यहां पर। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, ऑस्कर
पुलित्जर पुरस्कार से सबसे पहले किन्हें सम्मानित किया गया था? शाबाश मेरे शेरों, फटाफट से दीजिएगा आंसर। और आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि टाइम पर क्लास में आए। आपकी 7:30 पर शाम को लूशन जीके की क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7:30 पर लूशन जीके की क्लास में। सुबह 6:30 बजे आप यहाँ पर बेटा लूशन जीके की क्लास में, और दोपहर में 2 बजे आपकी बेटा लूशन जीके की क्लास होगी। तीनों क्लासेस में टाइम पर पहुंचे। प्रत्येक क्लास में आपका बिल्कुल नया कॉन्टेंट होता है। आप लोग बेटा यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए प्रत्येक क्लास में टाइम पर पहुंचे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? तो सभी बच्चे लिखेंगे ऑप्शन नंबर 2, भानु अथैया थे। कौन थे बेटा? भानु अथैया थे, जिन्हें सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर फ्रेंड्स आपका लिखा गया है लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जानते हैं आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, नेपोलियन बोनापार्ट को। किसको जानते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जानते हैं। आपका फ्रेंड्स हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है आपका फ्रेंड्स कपिल देव पाजी को, है ना? कपिल देव जी को क्या कहा जाता है? यहां पर फ्रेंड्स हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। सभी बच्चे इस बात को भी लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र, पूरा जो क्षेत्र था वो आपका बेटा त्रिभुजाकार था। लिखिएगा, सिंधु सभ्यता का पूरा क्षेत्र बेटा इस प्रकार से था, ट्राइंगल शेप में था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे अभी नहीं लिखे जा रहे इन्हें फिलहाल स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा बेटा। आपका अगला क्वेश्चन है कि यहां पर दिल्ली अभी दूर है, क्या अभी दिल्ली दूर है? ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन आप सभी ने लिखा हुआ है कॉपी के अंदर, और ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है। तो सभी बच्चे फटाफट से लिखेगा कि दिल्ली अभी दूर है का नारा किसने दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यदि फ्रेंड्स आपको पढ़ने में आ रहा है मजा, तो प्रतिदिन क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ने के लिए चैट बॉक्स से बाहर जाकर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा ले। शाम को 7:30 बजे, सुबह 6:30 बजे, शाम को 7:30 बजे, सुबह 6:30 बजे लूशन जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। और दिल्ली अभी दूर है का नारा किसने दिया था? किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। क्योंकि यहां पर फ्रेंड से आपका फ्रेंड गयासुद्दीन तुगलक है, जब बंगाल फतेह करके दिल्ली की चढ़ाई कर रहा था, तो यहां पे निजामुद्दीन औलिया को घमंड में कहता है, अरे निजामुद्दीन जी अब तो दिल्ली फतेह ही हो जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा? जनाब अभी दिल्ली दूर है, ठीक है ना? तो आपका फ्रेंड्स ये किसके द्वारा कहा गया था? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर 1। और वास्तविकता है, जब कोई बात कहते हैं ना, जैसे आप लोग फार्म भर के आए, फार्म भर के आते, अब की बार तो पेपर ने कर दी क्रैक करके छोड़ दूंगा। जब मम्मी क्या कहा बेटा, अब दिल्ली दूर है, ठीक है ना? अभी दिल्ली क्या है? दूर है। और वो दिल्ली नजदीक कब आएगी? जब आप दिल्ली यहाँ पर बेटा डेली टाइम पर क्लास में आएंगे और क्लास में कंटिन्यूटी के साथ पढ़ेंगे, तो उस दिल्ली को भी नजदीक ले आएंगे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हैदराबाद में। लिखिएगा फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। सभी बच्चे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री को बेटा मरणोपरांत 1966 में, क्या लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत यहां पर फ्रेंड्स आपका 1966 में सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये वो नेता थे जिन्होंने क्या नारा दिया? जय जवान जय किसान का नारा दिया। मेरे शेरो, एक बार सभी बच्चे लिखेंगे जय जवान जय किसान। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कस्तूरबा गांधी कौन थी रे? एक बार बताइयो एक बार ये बताना कि कस्तूरबा गांधी कौन थी, एक बार लिखना बेटा कमेंट बॉक्स में। आज देखते हैं ये कस्तूरबा गांधी के बारे में कौन जानता है, एक बार फटाफट से लिखना। मुझे पूरा भरोसा है, यहाँ पर पूरा भरोसा है कि तुम जानते हो कस्तूरबा गांधी कौन थी। लिखो बेटा, लिखो एक बार।
कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई थी आपको फ्रेंड्स, इसके बारे में एक बार लिखना, कस्तूरबा गांधी कौन थी आपका फ्रेंड। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आपका फ्रेंड से ऑप्शन नंबर एक यहां पर क्या हो जाएगा, 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक 1944 में, ठीक है ना। यहां पर फ्रेंड्स आपका 1944 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। यहां पर फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, आपकी महात्मा गांधी की अच्छा मदर है, बहुत बढ़िया। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। एक कह बोलो मैडम महात्मा गांधी राष्ट्रपिता तो या राष्ट्र की माता, ठीक बात है बेटा तेरी भी ठीक है ना, तेरी बात भी सही है, आज बेटा सही बात लिखी है, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स 1944 में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये क्या थी, महात्मा गांधी की पत्नी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक संसद होगा, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, अनुच्छेद नंबर 79 है, जिसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 79 में यह कहा गया है कि आपका फ्रेंड्स संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगा, तो आर्टिकल नंबर 79 में, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 61 में क्या आता है, अनुच्छेद नंबर 61 में अध्यादेश आता है, आप बेटा इस बात को भी याद रखेंगे, किस पर, राष्ट्रीय यहां पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आपका फ्रेंड्स राष्ट्रमंडल के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो प्यारे साथी हमारे बचे हुए लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और राष्ट्रमंडल के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, सभी बच्चे याद रखेगा, कमलेश, यहां पर क्या, कमलेश शर्मा थे, ऑप्शन नंबर तीन कमलेश शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 11 कर दी, क्या बात भाई, आज इतने बच्चे क्लास में, आज तो मैं ये सोच रही थी अब तक तो लाइक काउंटर पता नहीं किस आकाश में पहुंच गया होगा, क्यों भाई इतनी मतलब कंजूसी, सुबह से शाम तक आपके लिए मेहनत करते हैं तो क्या हमारे लिए एक लाइक भी नहीं बनता। आप लोग सभी बच्चे जो भी सेशन में नए हैं, यदि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो सभी बच्चे भाई एक बार दिल खोल के लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और यहां पर प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे लूसेंट जीके की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 75 का ऑप्शन नंबर चार, 86वां संवैधानिक संशोधन, कौन सा यहां पर संवैधानिक संशोधन था बेटा, 86वां संवैधानिक संशोधन था मेरे शेरों, कौन सा था, 86वां संवैधानिक संशोधन था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन 1964 में, ठीक है ना। बरौनी तेल शोधक कारखाने की खोज, आपका फ्रेंड्स बिल्कुल आप सभी के कमेंट दिखने लग रहे हैं, पढ़ने लग रही हूँ आपको बेटा, लास्ट में इनका जवाब देती हूँ, ठीक है ना। फिलहाल यदि मैं आपके साथ बात करने लगी तो बेटा क्वेश्चन रह जाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों से निवेदन है कि जिस टाइम पर क्लास चल रही हो उस टाइम पर आप बेटा अपना 100% फोकस है किसकी तरफ कीजिए, क्वेश्चनों की तरफ कीजिए, ताकि फ्रेंड्स यहां पर आप पूरा पूरा फायदा उठा सके, ठीक है ना, क्लास का पूरा पूरा फायदा उठा सके, इसके लिए आप क्वेश्चंस की तरफ फोकस करें। आपका फ्रेंड्स बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 में किसकी सहायता से, रूस देश की सहायता से की गई थी, आप बेटा इस बात को भी याद रखिएगा, रूस देश की सहायता से बेटा क्या की गई थी, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई थी, सभी याद रखेगा ऑप्शन नंबर तीन 1974 में, आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आपकी बेटा ईबुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ठीक है ना, ईबुक का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से ईबुक को डाउनलोड यहां पर ले सकते हैं, जिसके अंदर आपके 7000 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है ना। ईबुक में आपके 7000 क्वेश्चन है, एसएससी में अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिए गए। आपका फ्रेंड्स राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर दो 1954 में, आपका बेटा राष्ट्रीय अवार्ड जिसको हम क्या कहते हैं, भारत रत्न। राष्ट्रीय अवार्ड वही चीज है, भारत रत्न ही तो है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है। हिंदी में आपका इसको क्या लिख दिया, भारत रत्न। आपका फ्रेंड्स इसको ही मैं क्या लिख दू, राष्ट्रीय अवार्ड लिख दू, कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
आपका फ्रेंड्स इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, राष्ट्रवाद आपका फ्रेंड्स यहां पर कब हुआ था, 1954 में दिया गया था, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर दो, ठीक है ना। 1966 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया, यहां पर फ्रेंड्स आप सभी याद रखेंगे किसको सम्मानित किया गया था, यहां पर बेटा लाल बहादुर शास्त्री को। 1948 में आपका फ्रेंड्स क्या हुआ था, आरबीआई की यहां पर भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। 1972 में क्या हुआ था, शिमला समझौता किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। ई बुक के एक तो बेटा आपके पास ऑप्शन है कि आप यहां पर जो ईमेल आईडी डालेंगे उस पर आएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देती हूं, उस पर आप लिख के भेज दीजिएगा कि मैम मुझे ई बुक चाहिए, आपको फ्रेंड्स वहां से प्रोवाइड करवा देंगे। 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। आपका फ्रेंड्स प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, सभी बच्चे याद रखेगा कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक, 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस मतलब कि भारत के जो सदस्य यहां पर फ्रेंड्स दूसरे देश में चले गए हैं और आपका फ्रेंड्स उनके लिए क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों का बेटा कोई भी एग्जाम जो भारत में कंडक्ट होता है, सेंटर और स्टेट से कोई भी एग्जाम जो भारत में कंडक्ट होता है, जिसके अंदर आपसे जीके जीएस करंट अफेयर और रीजनिंग, ये चार सब्जेक्ट और हिंदी, ये पांच सब्जेक्ट जहां पर भी पूछे जाएंगे, आपके लिए यदुवंशी सक्सेस पॉइंट की सभी क्लासेस उपयुक्त हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका फ्रेंड्स किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, कौन सा सिख गुरु था जिसने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर दो। यहां पर गुरु गोविंद सिंह थे जिन्होंने खुद को क्या किया था, सच्चा बादशाह घोषित किया था। खालसा पंथ की स्थापना भी किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना भी किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जबकि सिख धर्म की स्थापना, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, यहां पर फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि सिख धर्म की स्थापना बेटा यहां पर गुरु नानक जी के द्वारा की गई थी, आप इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, सभी बच्चे याद रखेंगे। कंडगम किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, कंडगम किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो कंडगम आपका बेटा तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है, तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है, कंडगम है, सभी बच्चे याद रखेगा। हरियाणा का क्या है, लूर नृत्य। हरियाणा का कौन सा नृत्य है बेटा, लूर नृत्य। इसके बाद में खोड़िया, आपका फ्रेंड्स क्या है, खोड़िया भी यहां पर क्या किया जाता है, हरियाणा के अंदर किया जाता है, जिस टाइम पर लड़का क्या जाता है बेटा, लड़की के साथ शादी करने के लिए उनके घर पे जाता है, मतलब कि बारात लेके जाता है, तो उसके बाद में घर की जो महिलाएं होती हैं जो बारात में नहीं गई हैं उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो आपका कौन सा नृत्य होता है, खोड़िया, ठीक है ना। अलग अलग यहाँ पर स्टेट्स के अंदर अलग अलग प्रकार से उसको बनाया जाता होगा, हरियाणा में उसको खोड़िया कहते हैं। आपका फ्रेंड्स घूमर नृत्य कहाँ पर होता है, तो घूमर नृत्य होता है आपका फ्रेंड्स राजस्थान में, ठीक है ना। घूमर नृत्य कहाँ का, राजस्थान का, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। भागम भागी किस लिए, कितने क्वेश्चन रह गए 100 में से कितने क्वेश्चन रह गए, उसमें भी वो उससे पहले ये कह रहा है तू जा रहा है मैं तेरे से पहले जाता हूं, और वो दूसरा कह रहा है तू जा रहा है तो मैं कहां रहूंगा मैं भी जा रहा हूं, ठीक है ना। दुल्हा दुल्हन दास कहां से करेंगे, दुल्हा तो बैठ गया है दुल्हन को लेने के लिए। आपका राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक, ठीक है ना। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, भरतपुर को कहा जाता है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सभी बच्चे याद रखेगा। व्हाट वेंट रॉन्ग, ये पुस्तक मैंने लिखवाई हुई है तुम लोगों को, ये जो पुस्तक है ये मैंने कॉपी के अंदर लिखवाई हुई है, फटाफट से आंसर कीजिएगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, पुस्तक के लेखक कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बच्चे में याद रखेंगे, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे, आपके बेटा सुबह 6:30 बजे, और दोपहर में आपकी फ्रेंड्स 2 बजे, क्या दोपहर में आपकी 2 बजे लूशन जीके की क्लास रहेगी। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर होगा किरण बेदी। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक किसने लिखी है, किरण बेदी ने। आपका फ्रेंड्स आई डेयर,
आइडेयर नामक पुस्तक किसने लिखी, ये भी आपकी किरण बेदी ने लिखी है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। महेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। महेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर कि महेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है। और सभी बच्चे याद रखेगा, प्रतिदिन शाम को 9:30 बजे, 9:30 बजे सभी बच्चे शाम को रीजनिंग की क्लास में आते नहीं हो भाई, बताया डेली जाता है कि रीजनिंग की क्लास शाम को 9:30 बजे, लेकिन क्लास में नहीं पहुंचते, क्यों भाई? टाइम पर क्लास में आए, क्लास को अटेंड करें ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। और आपका फ्रेंड्स महेश्वरी कहां पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा पर है ना, नर्मदा के तट पर क्या है महेश्वरी स्थित है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह दिखाई देता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विश्व का ऐसा कौन सा महासागर है, ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि विश्व में ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी शेप किस प्रकार से अंग्रेजी के लेटर एस की तरह है। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3, यहां पर अटलांटिक महासागर, कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है जिसकी शेप कैसी है, यहां पर फ्रेंड्स एस लेटर के जैसी है, सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 3 राइट आंसर हो जाएगा। मैं बेटा हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, ठीक है ना, हरियाणा की भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बिलोंग करती हूँ। और वो कहते हैं ना, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती हैं, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती हैं, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटे लगते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर फ्रेंड्स जिनके सपने देखने में है उनको नींद भी आएगी, उनको आराम भी चाहिएगा, उनको थकान भी होगी, लेकिन जिसके दिन रात सपने में आपको दिन रात आपको लक्ष्य दिखाई देगा आपके दिमाग में और आपके मन में एक जुनून की आग लगी रहेगी, मुझे अब की बार कुछ करके दिखाना है, तो उस बच्चे को नींद आने वाली नहीं है। आपका फ्रेंड्स बैंक ऑफ मथुरा को किस बैंक में मिलाया गया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बैंक ऑफ मदुरा को किस बैंक में मिलाया गया, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर 4, आईसीआईसी बैंक, आपका फ्रेंड्स आईसीआईसी बैंक है जो आपका। बैंक ऑफ मदुरा को किस बैंक में मिलाया गया, आईसीआईसीआई बैंक में मिलाया गया, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहां पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है शुक्र को, ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट, ठीक है ना, वो वाला हॉटेस्ट नहीं, हॉटेस्ट प्लेनेट आपका फ्रेंड्स। इसके बाद में अगला जो आता है क्या ग्रह, इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह आपका फ्रेंड्स इसके साथ ही यहां पर सुबह का तारा और शाम का तारा, सुबह का तारा और शाम का तारा किसे कहा जाता है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है ना। साय का तारा भी किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके साथ ही इसके को एटमॉस्फेयर किसका बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बनाता है आपका फ्रेंड्स। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन कहलाती है, आपकी फ्रेंड शुक्र ग्रह कहलाता है, इस बात को भी आपने लिख लेना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका बेटा यहां पर क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई, ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, कई बार हम कर चुके हैं, तो सभी बच्चे फटाक से कीजिएगा आंसर कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, ध्यान से इन बातों को बड़े जल्दी समझ जाते हैं ना, वैसी बातें नहीं समझ में आती, यहाँ पे ये वाली बातें बड़ी समझ में आ जाती हैं। आपकी फ्रेंड्स ये क्लास शाम को बेटा लूशन जीके की क्लास 7:30 बजे, सुबह आपकी क्लास होगी 6:30 बजे और दोपहर में रहेगी 2 बजे, ठीक है ना, दोपहर में रहेगी आपकी 2 बजे। तो सभी बच्चे याद रखेगा, शाम को 7:30 बजे, सुबह 6:30 बजे, दोपहर में आपकी 2 बजे लूशन जीके की क्लास रहेगी, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी लिख दो फटाफट से कमेंट बॉक्स में, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर 1875 में। कब हुई थी, 1875 में, किसके द्वारा की गई थी, दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या की गई थी बेटा, आर्य समाज की स्थापना की गई थी, जिनको मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है।
है। इनका मेन नाम, वास्तविक नाम क्या है, मूल शंकर है। आप इस बात को भी याद रखेंगे, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। काकोरी कांड के बारे में पढ़ा रखा है ना, जिसमें यहाँ पर उसके नायक को क्या किया था, गोरखपुर जेल के अंदर यहाँ पर फ्रेंड्स फांसी की सजा दी गई थी। उसका नायक कौन था, फटाफट से कीजिएगा आंसर। 1927 में है ना, 1927 के अंदर क्या की थी, फांसी की सजा दी गई थी किसको, राम प्रसाद। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राम प्रसाद बिस्मिल को आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। लाला हरदयाल के द्वारा क्या किया गया था, सैन फ्रांसिको की यहाँ पर क्या, सैन फ्रांसिको में यहाँ पर फ्रेंड्स गदर पार्टी की स्थापना की थी, है ना। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने की थी, कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। नेक्स्ट है, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बचे हुए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और आप भी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, आपका बेटा वैसे तो ब्राजील है वैसे तो कौन सा है, ब्राजील। लेकिन अब ब्राजील ऑप्शन में नहीं दिया तो किसके साथ जाएंगे, भारत के साथ, ठीक है ना। वैसे तो सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कहां पर होता है, ब्राजील में होता है, लेकिन आपका ब्राजील नहीं है ऑप्शन में, तो हम किसके साथ जाएंगे, भारत के साथ। आपका फ्रेंड्स दूध का उत्पादन भी सबसे अधिक कहां पर होता है, दूध का उत्पादन भी सबसे अधिक भारत में होता है। इसके बाद ही बेटा आपका पशुओं का पालन भी सबसे कहां पर होता है, पशु सबसे अधिक कहां पर पाए जाते हैं, ये भी भारत के अंदर पाए जाते हैं, इस बात को भी आपने लिख लेना है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व में दूध का तरीके, ये क्या बनी, मतलब नेक्स्ट ही क्वेश्चन वो आ गया। कई बार तुम्हारी किस्मत बड़ा जोर मारती है ना, आप लोग वो क्वेश्चन पीछे लिख के आते हो वही क्वेश्चन आपका आगे मिल जाता है, वाह भाई बहुत बढ़िया। आपका विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने एक बार यहाँ पर है देख लेना भाई, लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बचे हुए लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे लूशन जीके की क्लास के लिए, 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ जाएंगे। आपका फ्रेंड्स यहां पर भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रीजनिंग की क्लास 9:30 बजे सुबह 11 बजे सभी बच्चे याद रखेगा। विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील किस देश में है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विश्व में निर्मित भारत की सबसे बड़ी यहां पर क्या, विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील किस देश में, तो आप सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 यूएसए में। यूएसए के अंदर क्या है, विश्व में सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आजात शत्रु का उपनाम क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आजात शत्रु का उपनाम क्या है, तो आजात शत्रु का उपनाम है कुणिक, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 कुणिक, क्योंकि इसने अपने पिता की क्या की थी, हत्या करके राजगद्दी पे बैठा, इससे इतना भी सबर नहीं हुआ कि यहां पर इसके पिता इसको उत्तराधिकारी बना देंगे, इसके और भी भाई थे, अब इसको ये शक हो गया कई पिताजी उनको ना बना दे, तो इसने क्या करा अपने पिता को ही पत्ता काट दिया, उसने क्या किया अपने पिता की जगह पर खुद राजगद्दी पर बैठने के लिए इसको मार दिया, अब इसके बेटे ने इसको मार दिया, तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 कुणिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट है, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो मेडागास्कर आपका बेटा हिंद महासागर में स्थित है, सभी बच्चे याद रखेगा कि मेडागास्कर कहां पर है, हिंद महासागर के अंदर स्थित है। प्रशांत महासागर आपका बेटा सबसे बड़ा महासागर है, इस बात को भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। ये पढ़ी है किताब, ये आपने जो चैप्टर है पढ़ा है कि घासीराम कोतवाल, आपका फ्रेंड्स यहां पर है घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इसके साथ ही आप सभी बच्चे शाम को 5 बजे लूशन जीके की क्लास के लिए, शाम को 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए, और शाम को 7:30 बजे लूशन जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और घासीराम कोतवाल के
लेखक थे 94 का ऑप्शन हो जाएगा चार, विजय तेंदुलकर। कौन थे बेटा? घासीराम गोतवाल के यहां पर बेटा लेखक है विजय तेंदुलकर है। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर चार आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट है संसद के तीन दशक के लेखक कौन है? किस एक बुक भी आपकी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो बुक आपको लिखी गई है बेटा ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको यहां पर ध्यान से करेंगे कि संसद के तीन दशक के लेखक कौन है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन अटल बिहारी वाजपेयी। क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो आपके फ्रेंड्स यहां पर संसद के तीन दशक के लेखक। वो क्या क्या कहते थे? ये प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, इनके आने और जाने से देश के यहां पर क्या है स्वाभिमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मैं यहां पर देश यहां पर क्या है सबसे जरूरी जो चीज है वो आपका देश है। और यहां पर फ्रेंड्स अटल बिहारी वाजपेयी है जो संसद के तीन दशक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो सभी बच्चे लिखेगा ऑप्शन नंबर दो कर्नाटक के अंदर आपका फ्रेंड्स क्या किया जाता है यक्षगान किया जाता है ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा विषय को समवर्ती सूची से आपका फ्रेंड्स यहां शिक्षा विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ये पहले राज्य सूची में था बाद में इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था और आपका फ्रेंड्स किस संवैधानिक संशोधन के तहत, तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा संशोधन है? 42वां संवैधानिक संशोधन है जिसके तहत बेटा शिक्षा विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। आप सभी बच्चे याद रखेगा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। सभी बच्चे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट आपको क्या दिया बेटा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक भोपाल में। कहां पर स्थित है? भोपाल में। किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जहां पर क्या बेटा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बेटा केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। फटाफट से लिख लीजिएगा, यह भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका व्हाट्सअप नंबर है 9518151414 व्हाट्सअप नंबर है। जिन बच्चों ने अपना नंबर व्हाट्सअप में ऐड नहीं कराया आप सभी बच्चे व्हाट्सअप में अपना नंबर ऐड करवा लेंगे। इसके साथ ही सुबह 4:45 पर करंट अफेयर की क्लास के लिए आप सभी बच्चे 6:30 बजे सुबह 6:30 बजे दोपहर में 2 बजे और शाम को बेटा 7:30 बजे लूसेंट जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है ना। सुबह 6:30 बजे दोपहर में 2 बजे शाम को 7:30 बजे लूसेंट जीके की क्लास, सुबह आपकी 11 बजे रीजनिंग की क्लास, शाम को 9:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी। सभी बच्चे टाइम पर पहुंचे और 5 बजे शाम को रहेगी आपकी हिंदी की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। ई बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग फ्रेंड्स वहां से भी टेलीग्राम और ई बुक को यहां पर क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। नया बेहतरीन सेशन जिसमें हम बात करेंगे लूसेंट जीके के उन क्वेश्चनों की जो अब तक के एग्जाम के लिए आपके लिए जरूरी रहे और आगे के एग्जाम में आपसे फिर से पूछे जाएंगे। तो सभी फ्रेंड्स सेशन के साथ लास्ट तक बने रहेंगे और आप लोगों के बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के नए पैटर्न पर आधारित है। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि यहां पर हमारे SSC के अंदर पैटर्न में बदलाव हुआ है, आपका जो नया पैटर्न है उसी के आधार पर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। आपके अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो आपका पैटर्न बनता है उसी पैटर्न पर, कहते हैं ना कि पढ़ना वही जो एग्जाम के लिए सही, आप लोगों के जो एग्जाम के लिए सही है जो आपको फतेह तक लेके जाएगा उसी पैटर्न पर हम करेंगे अपनी पढ़ाई। तो सभी बच्चे याद रखिएगा सुबह
4:45 पर रहेगी आपकी करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बेटा, सुबह 6:30 बजे, शाम को 7:30 बजे और दोपहर में 2 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर लूशन जीके की क्लास, शाम को 9:30 बजे, सुबह 11 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास और आपके लिए प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी यहाँ पर फ्रेंड्स हिंदी की क्लास। प्रत्येक दिन की सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाए करें ताकि फ्रेंड्स आप अपनी क्लासेस का फायदा उठा सकें। यहां पर फ्रेंड्स मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा। जिन भी फ्रेंड्स ने अपना नंबर व्हाट्सअप में ऐड नहीं कराया आप फ्रेंड्स अपना नंबर व्हाट्सअप में ऐड कर लें। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं इस क्लास के अंदर, प्रत्येक क्वेश्चन को आपने अटेंड करना है, मैराथन क्लास रहेगी। आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कॉपी के अंदर लिखना है ताकि फ्रेंड्स आपके सभी डाउट्स साथ साथ क्लियर होते चलें। तो चलिए फ्रेंड्स कोर्स बनाया बेहतरीन सेशन जिसमें हम बात करेंगे लूशन एग्जाम के लिए सही, आप लोगों के जो एग्जाम करना ना भूलें। YSP लाइव जाएगा या इको मार्क से किसको रिलेट किया गया, पर्यावरण को रिलेट किया गया, सभी मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। बेटा जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लें और फटाफट से यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर क्लास स्टार्ट हो गई है, सारे बच्चे फटाफट यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर पहुंचेंगे। यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर क्लास स्टार्ट हो गई है जिसका लिंक मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, सभी बच्चे यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर पहुँचेंगे। और जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है वो बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, ऊपर में लिंक पिन पॉइंट किया गया है। जिनको ई बुक चाहिए, जो पढ़ाए गए क्वेश्चन आपको सारे चाहिए, जिसको बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हैं, तो सभी कुछ आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। और यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है जिसका लिंक चैट बॉक्स में दे दिया गया है, सारे बच्चे फटाफट से क्लास में पहुँचेंगे। मैं क्लास को डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूं, आपको चैट बॉक्स में जो ब्लू कलर की लिंक लाइन दी जा रही है, आप लोग सारे बच्चे क्लास में पहुंच जाएं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको प्रतिदिन समय पर क्लासें मिल सकें। जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नंबर ऐड नहीं कराया है वो बच्चे अपना व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर ऐड करा लेंगे। चैट बॉक्स में जो ब्लू कलर की लिंक लाइन आ रही है उसको क्लिक करिए, क्लास में चले जाइए फटाफट। यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर क्लास स्टार्ट हो गई है, यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर आपका मेन चैनल के ऊपर 6:30 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा, 6:30 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सारे बच्चे फटाफट से 6:30 बजे वाली क्लास में पहुंचेंगे। यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर 6:30 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो गई है, सारे बच्चे फटाफट से क्लास में पहुँचें बेटा, सभी बच्चे फटाफट क्लास में पहुँचेंगे, कोई बच्चा क्लास को मिस ना करे। चैट बॉक्स में जो ब्लू कलर की लिंक लाइन दी जा रही है उसको क्लिक करिए, आप लोग क्लास में पहुंचिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, आप सभी का स्वागत है यदुवंशी सक्सेस पॉइंट परिवार में। सभी बच्चे फटाफट क्लास में पहुंचे बेटा, सभी बच्चे फटाफट क्लास में पहुंचे, आप सभी का स्वागत है यदुवंशी सक्सेस पॉइंट परिवार में। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, आप सभी का स्वागत है। चैट बॉक्स में जो ब्लू कलर की लिंक लाइन आ रही है उसको क्लिक करिए, क्लास में पहुंचिए, सभी बच्चे फटाफट क्लास में पहुंचिए। चलो बेटा मैं फिर क्लास को डिस्कनेक्ट करूंगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको प्रतिदिन समय पर क्लासें मिलती रहे। सभी बच्चे फटाफट से क्लास में पहुंच जाएंगे। यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आपका जो मेन चैनल है उसके ऊपर क्लास स्टार्ट हुई है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैट बॉक्स से बाहर जा कर के रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रतिदिन समय पर क्लासें मिलती रहें। चलो भाई फटाफट चैट बॉक्स में जो ब्लू कलर की लिंक लाइन है ना बेटा इसको क्लिक करो, जो ब्लू कलर की लिंक लाइन है इसको क्लिक करो, फटाफट क्लास में पहुंचो। जो चैट बॉक्स में देखिए उसको उंगली से धीरे से टच करो, इसको धीरे से उंगली को टच करो, आप क्लास में पहुंच जाएंगे। धीरे से टच करो उंगली को, आप फटाफट क्लास में पहुँच जाएंगे। सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, सभी बच्चे फटाफट चले जाएँ बेटा क्लास में। मैं अभी क्लास को फिर डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, सभी को
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो बेटा फटाफट चलो।